हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लियोस चैनल. यस, लियोस चैनल, गुड बॉय. तो आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिससे सभी पेट पेरेंट्स रिलेट कर पाएंगे. तो पेट रखना बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, उससे आपके घर में बहुत ही पॉजिटिविटी आती है, गुड वाइब्स आती है. बट एक पेट रखने के साथ आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है. वो आपके बिना रह नहीं सकता, उसको वॉक करानी, उसको खाना खिलाना, और हर जगह आप अपने पेट को साथ भी नहीं ले जा सकते. और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े. तो इन दैट केस, जब आपको कहीं जाना पड़ता है और आप अपने पेट को साथ नहीं ले जा सकते, तो तब आप क्या कर सकते हैं, वो सारे पेट पेरेंट्स की एक प्रॉब्लम रहती है. तो आज हम देखेंगे उसके लिए ऑप्शंस जो आप चूज़ कर सकते हैं अगर आपको कहीं जाना है और ऐसी जगह जाना है जहाँ आप अपने डॉग को या किसी भी पेट को साथ नहीं ले जा सकते. तो हम इस वीडियो में इस बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमें जाना है एक शादी पे, फंक्शन पे, कनाडा इंडिया से 1.5 मंथ के लिए. और उसके लिए मुझे लियो को यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डॉग्स को प्लेन में ले जा नहीं सकते. बट उसका प्रोसीजर, मतलब डॉग्स को एक अलग कैबिन में नीचे लेके जाते हैं, तो वो उसमें मुश्किल से, मतलब उसके लिए उसको अलग ट्रेनिंग करनी पड़ती है. वो 24 आवर्स तक बिना आपके रहते हैं, एक केज में बंद रहते हैं, खाना पीना भी प्रॉपर पता नहीं हो पाता है कि नहीं हो पाता. तो वो बहुत ही, मतलब, डिफ़िकल्ट प्रोसेस रहता है आपके डॉग के लिए, मेंटली टॉर्चर रहता है. तो सिर्फ 1.5 मंथ के लिए उसको लेके जाना और फिर वापस उसी प्रोसेस से लेके आना, उसके लिए सही नहीं रहेगा. या तो अगर आप परमानेंट जा रहे हो तो आप फिर भी सोच सकते हो कि हाँ, एक बार कैसे भी उसको ले जाओ और फिर वो वहीं रहने वाला. तो इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम लियो को अपने साथ ही लेके जाएंगे और हम उसको यहीं छोड़ के जाएंगे और उसका प्रॉपर अरेंजमेंट करके जाएंगे. तो जाने का जैसे ही प्लान बना, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही था कि लियो के लिए अब हमें क्या कुछ अरेंजमेंट करना है, कि हम उसको कैसे छोड़ के जाएंगे, वो कैसे रहेगा हमारे बिना, कभी रहा नहीं है. तो रिसर्च करने के बाद हमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शंस लगी है वो हैं 3 ऑप्शंस. तो जिसमें सबसे पहले आते हैं डॉग हॉस्टल्स, या फिर जो लोग डॉग्स को रखते हैं वो वाली ऑप्शन. तो काफ़ी जगहों पे डॉग हॉस्टल्स खुले होते हैं जहाँ पे डॉग्स को रखा जाता है. बहुत सारे डॉग्स होते हैं तो वहाँ पे लोग होते हैं जो आपके डॉग का ध्यान रखते हैं और उनको टाइम पे खाना वाना देते हैं, वॉक वगैरह भी कराते हैं. तो वो भी एक ऑप्शन होती है जहाँ आप अपने डॉग को छोड़ सकते हैं. बट जहाँ तक हमने देखा, वहाँ की ज़्यादा कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने भी, उनकी भी प्रॉब्लम जेन्युइन है कि उन्होंने बहुत सारे डॉग्स को रखना होता है पेट हॉस्टल में. तो वो सबको वैसे तो नहीं रख सकते जैसे हम घर पे रखते हैं, केज में डाल के ही रखेंगे, क्योंकि कई डॉग्स लड़ने वाले होते हैं, आपस में लड़ लेते हैं, डिपेंड करता है नेचर पे. जो नहीं होते उनको खुला भी रखते हैं, तो वहाँ पे वो सबको उस लेवल की वॉक नहीं करा सकते. तो हमें तो वो ऑप्शन इतना अच्छा नहीं लगा. बट अगर आपको कोई अच्छा सा हॉस्टल मिल जाता है जहाँ पे प्रॉपर केयर है, ज़्यादा डॉग्स नहीं है, वो 2-4 डॉग्स को ही रख रहे हैं, और आपको लगता है कि, जैसे कई लोग घर में भी रखते हैं, तो वो आपके डॉग को प्रॉपर केयर देंगे और प्रॉपर टाइम देंगे और वहाँ का एटमॉस्फेयर भी अच्छा है, तो आप अपने डॉग को वहाँ छोड़ने की भी सोच सकते हैं. बट क्योंकि हमें पता है कि लियो की फ्रेंड्स डॉग्स के साथ तो बिल्कुल नहीं बनती, वो खुद ही डॉग्स पे भौंकता है, उनसे लड़ लेता है. एक दो बार इसकी यहाँ लड़ाई भी हो चुकी है, काट भी चुके हैं इसको डॉग्स. डॉग हॉस्टल वाला ऑप्शन तो हमारे लिए कैंसिल है. क्यों? तो दूसरा ऑप्शन ये है कि कई लोग जैसे पर्सनली अपने घर पे डॉग्स को रख लेते हैं पैसे दे के, या पर डे बेसिस पे ऐसे. तो वो भी एक ऑप्शन है जो मैंने यहाँ पे अपने एरिया में काफ़ी जगहों पे देखी है. जिन लोगों ने पहले डॉग्स पाले होते हैं पर अब उनके पास पेट्स नहीं होते और वो पेट लवर होते हैं, या फिर वैसे भी जिनको, जो ये काम करते हैं, मतलब अपने घर पे पेट रखते हैं, ज़्यादा नहीं, उनका हॉस्टल नहीं होता, बट वो 1 या 2 डॉग्स पर डे के हिसाब से रख लेते हैं, तो उस जगह पे आप छोड़ सकते हैं. वो हॉस्टल से बेटर ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डॉग्स नहीं होते, उनके पास 1 या 2 ही होते हैं. बेबी सिटिंग नहीं होती, या फिर डे केयर जहाँ पे बच्चों को छोड़ के आते हैं, ऐसे ही डॉग्स का डे केयर, तो वो लोग रख लेते हैं डॉग्स को. तो अगर वो अच्छी कंडीशन में रख रहे हैं, आप पहले चेक करो कि वो कैसे रख रहे हैं, कैसे खाना देंगे, क्या करेंगे. अगर वो देख के, चेक करके, वो उनकी जगह चेक करके आओ कि वहाँ की कंडीशंस अच्छी हैं, वो अच्छे से रखेंगे, अच्छे से खाना खिलाएंगे, वहाँ जगह है आपके पेट को रखने की, तो आप उस ऑप्शन को भी कंसिडर कर सकते हैं और अपने डॉग को वहाँ भी छोड़ सकते हैं. वहाँ का फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डॉग्स नहीं होते, तो वो आपके डॉग पे, कभी कभार तो ये होता है कि वो एक ही डॉग रखते हैं एक टाइम पे, तो आपके डॉग पे फुल कंसंट्रेट कर सकते हैं. बट हाँ, आप चेक करो कि वहाँ पे वो अच्छे से रख रहे हैं, अच्छी कंडीशंस हैं, और आपके डॉग को प्यार से रखेंगे, तंग तो नहीं करेंगे, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है.
तीसरा ऑप्शन ये होता है कि आप अपने डॉग को अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव के पास छोड़ के जा सकते हैं जो आपके डॉग से पहले ही फेमिलियर है, या फिर जहां आपका डॉग पहले गया हुआ है आपके किसी फ्रेंड के घर या आपके किसी रिलेटिव्स के घर जिन्हें वो जानता है, या फिर जो डॉग्स रखने को तैयार हैं। इस केस में आपको ऐसे अच्छे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स मिलने चाहिए जो आपके डॉग को रख ले, क्योंकि सारे लोग पेट लवर नहीं होते, और अगर हो भी तो सारे लोगों के घर में फैमिली में पेट लवर नहीं होते। तो अगर आपको कोई ऐसे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स मिल जाते हैं जो जिससे आपका डॉग ऑलरेडी फ्रेंडली है और वो आपके डॉग को अच्छे से कुछ समय के लिए रखने के लिए तैयार हैं, तो आप अपने डॉग को वहाँ पर भी छोड़ के जा सकते हैं। उसका फ़ायदा ये रहेगा कि आपका डॉग उनको पहले से ही जानता है, तो वो ज़्यादा डिप्रेस नहीं होएगा और वो थोड़ा सेफ और फ्रेंडली फील करेगा कि वो उन्हीं लोगों के साथ है जिनसे वो पहले मिला। तो ये वाला ऑप्शन एक नई जगह पे छोड़ने से बेटर रहता है, क्योंकि डॉग जिन बंदों के पास आप उनको छोड़ के जा रहे हो उनसे पहले ही मिला होता है, तो वो इतना ज़्यादा डिप्रेस और सैड नहीं होएगा एज कम्पेयर टू अगर आप उसको किसी नई जगह पे या फिर नए लोगों के साथ छोड़ के जाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन अगर आपको मिल जाता है तो ये बहुत ही बढ़िया और अच्छा ऑप्शन रहता है। और लास्ट ऑप्शन जो कि मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन है और हम भी लियो के लिए वही फॉलो करने वाले हैं, वो है ये कि आप अपने ही घर में, जिस घर में आप रहते हैं और आपके साथ आपका पेट रहता है, वहीं पे अपने डॉग को छोड़ के जाएँ और उसके लिए कोई बंदा या फिर आपका कोई रिलेटिव है वो उसके पास रख के जाएँ, जो उसके साथ आपकी जब तक आप नहीं हैं वो उसके साथ रुकेगा, उसका ध्यान रखेगा, उसको वॉक पे ले जाएगा, उसका सारा काम करेगा, तो वो ऑप्शन बेस्ट रहेगी। क्योंकि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपका पेट अपने ही घर में रहेगा तो वो बिल्कुल भी सैड और डिप्रेस फील नहीं करेगा जब उसको लगेगा कि मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरे साथ नहीं है, बट वो सेफ फील करेगा कि वो अपने ही घर में है, तो वो इतना ज़्यादा डिप्रेस या फिर उदास नहीं होएगा। तो ये ऑप्शन बहुत अच्छी रहेगी, वो अपनी रूटीन में रहेगा, जिस रूटीन को वो शुरू से फॉलो करते आया, अपने कम्फर्ट जोन में रहेगा, तो इस ऑप्शन में उसको प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कम होएगी और ये सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है अगर आप अपने डॉग को छोड़ के कहीं जाना चाहते हैं। तो हम यही ऑप्शन फॉलो करने वाले हैं लियो के लिए। जब तक हम जाएंगे लियो यही रहेगा और उसके साथ रहने आएंगी मेरी दादी और मेरा कज़न, जो कि अभी अभी यहाँ पे शिफ्ट हुआ है अपनी पढ़ाई के लिए, तो उसको 2-4 महीने हो गए हैं। तो ये बहुत बेनिफिट रहा है कि वो लियो के साथ काफ़ी यूज्ड हो चुका है और लियो भी उसके साथ काफ़ी यूज्ड हो चुका है। तो लियो उनके साथ यहाँ पे रहेगा तो अपने ही घर में रहेगा, अपने ही रूटीन फॉलो करेगा, तो उसको मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा कुछ फील होना चाहिए। बाकी देखते हैं कि कैसा रहता है। तो ये थे वो 4 ऑप्शंस जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट रहेंगे अगर आपको अपने पेट को कहीं छोड़ के जाना है। तो आप हमें कमेंट करके बताना कि आपके पेट को सबसे ज़्यादा इनमें से कौन सा सूट करता है, या फिर आप कौन सा चूज़ करेंगे अपने पेट के लिए। और बाकी आगे की वीडियो देखने के लिए कि हम और क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं लियो को छोड़ के जाने के लिए, क्योंकि ये तो बस एक फर्स्ट पार्ट था कि कहाँ और कैसे रहेगा। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको करके जानी चाहिए या फिर हम कर रहे हैं लियो को छोड़ के जाने के लिए, वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय। तो इंट्रो वंस अगेन। हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये सुने बेवकूफी।